बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेंटेन रिकॉर्ड किस तरह होगा? इन्फ्लेशन यानी महंगाई किस हिसाब से ऊपर आई है? ईयर कंपैरिजन अगर हमें करना हो तो उसका एक ग्राफ और पूरा एक कंप्लीट डाटा किस तरह से मेंटेन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट दिख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। कुछ आइटम के नेम मैंने यहाँ इंटर करे हुए हैं, केजीज, लीटर्स, और उसके बाद पर ईयर प्राइस के हिसाब से प्राइस ईयर जो है उनके लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब क्या उनका डिफरेंस आया है प्राइस ईयर के अंदर, और फिर उसके बाद उनका टोटल, और फिर उनका परसेंटेज डिफरेंस जो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या शॉर्ट में CPI इसको कहा जाता है, ठीक है जी। और इसका कंपेरिजन ईयर का भी कैलकुलेट और परसेंटेज हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं ईयर के लिए यहाँ पर अमाउंट लिख लेता हूँ, जैसे ऑयल है 500 लीटर, ठीक है जी। एक काम इसमें ये कर लेते हैं, जो लीटर केजीज है यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है ये मैं इसके अंदर से रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कॉलम ऐड कर रहा हूँ वेट, और वज़न में इनका जैसे लीटर है ये मैंने लिख कर कंट्रोल इंटर कंट्रोल ई, तो ये हर उसका अल्फ़ाबेट आ जाएगा, यानी लीटर के हिसाब से केजी के हिसाब से इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। और अब हमें इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। यानी ऑयल लीटर 2018 में जो है तकरीबन 170, और फिर मीट तकरीबन 550, और कॉर्न फ्लोर जो है वो 150, वीट फ्लोर जो है वो 80, राइस 100, और वीट जो है वो 40। अब ये केजीस में है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इधर सारा अमाउंट, और इसी तरह ईयर के हिसाब से जो डिफरेंस आया है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और इसमें प्राइस ईयर को भी जो है मैं यहाँ पर ऑल्टर इंटर कर देता हूँ, और इस तरह से डबल क्लिक ऑटो फिट और फॉर्मेट यही सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि शीट हमारी ज़्यादा बड़ी ना हो, ऑल सिलेक्ट, ठीक है जी। और ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट को मैं यहाँ से एरियल कर रहा हूँ, और यहाँ पर अब हमें हर ईयर के प्राइस मेंशन करने, फिर हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके प्राइस को अब जैसे 170 था, फिर 200, और फिर 230, और फिर 350, और अब यहाँ पर आ गया 460, ठीक है। और इसके बाद 550 से ये आ गया 600, 700, 800 और 1000, ठीक है जी। ईयर का जो डिफरेंसेस आया वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 180, 200, 230, इसी तरह 80 से 100, 120, 130, 150, और राइस जो है वो गए 120, 140, 160, 200, और वीट जो है वो 50, 60, 70 और 150 करंट जो भी रेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारे हमारे मेंशन हो गए इधर रेट और प्राइस। अब हमें इसके अंदर जो कंज्यूमर प्राइस शेड्यूल देखना है इंडेक्स की शक्ल में, वो किस तरह से आएगा, यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल, टोटल के साथ सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ ब्लैक, कलर वाइट, और इन सबको करना है प्लस। तो ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है कॉलम की प्राइस ईयर, उस सेल से लेके राइट जितने कॉलम टोटल करने हैं सिलेक्शन बनाएंगे ऑटो सम क्लिक, तो यहाँ सम हो जाएगा इनका, ठीक है जी। और इसको अलाइन सेंटर करेंगे, बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, और कलर जो है मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी, कलर चेंज। और अब हमें यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक करके और फिट कर लेता हूँ कॉलम। प्राइस ईयर जो है वो अलग कलर से शो कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ फॉर्मेटिंग के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, जितनी जिसमें प्राइस वैल्यू होगी उस हिसाब से कलर से डाटा को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है जी, ये भी सही है। और अगर आपको आइकन चाहिए तो आइकन से भी आप फॉर्मेट कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। और यहाँ से इसके ऊपर भी आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, अच्छा काम करके फॉर्मेट के साथ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें इस हिसाब से रेशो ऊपर आया है, तो ये हमारी कलर और इसके कलर की कलर
सेटिंग जो है वो हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, या डेटा बार्स ऑप्शन से करना तो डेटा बार्स से कर लें। ठीक है जी, ग्रेडियंट देने तो ये ले लें, और ये लेने के बाद इसको एडिट करना है यहाँ मैनेज, मैनेज में जाएंगे कलर एडिट, और एडिट के बाद बॉर्डर जो आ रहा है वो हमें नहीं रखना, नो बॉर्डर, ओके अप्लाई। ठीक है जी, ग्रेडियंट कलर जो है वो हमें नो करना है तो हम यहाँ से नो कर लेते हैं, या रखना है कलर तो फिर आप रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई फॉर्मेटिंग, और अब हम यहाँ पर डिफरेंसेस या कंपैरिजन ईयर करना है हमें यहाँ पे, तो हम करेंगे यहाँ पे सीपीआई ईयर या सीपीआई परसेंटेज। ठीक है जी, और ये हो गया, और इसके साथ हमारा ईयर 2018 से है, 2018 से 2022, तो इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं 2018 से 2022। ठीक है जी, इसके लिए मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ड्रैग हो गया। और अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन, जो नेक्स्ट ईयर था हमारा, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे प्रीवियस वाले रेट से, प्रीवियस ईयर वाले रेट से, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड कर देंगे अगेन प्रीवियस वाले सेल से। ठीक है जी, तो ड्रैग इंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह आएगा, इसको परसेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है हमारे पास ईयर के रेट के, इन्फ्लेशन जिसको कहा जाता है कि महंगाई के हिसाब से, ये तो 13% हमारी इसके अंदर आई। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं इसको कंट्रोल माइनस सेल को डिलीट करूँगा, इससे कंपैरिजन करें 2019 में यानी 13% बढ़ी है, तो यहाँ से मैं इसको माइनस करूँ 2019। ठीक है जी, अब उसके बाद जब हम इसको नीचे ट्रैक करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल वी, तो डी वाला जो सेल होगा वो ये था, इससे हमने माइनस किया था। अब हम 2020 को माइनस करेंगे 2019 से, तो अब हमारा जो वो सेल आ रहा है 2020 वो आ रहा है हमारा E10, तो यहाँ पर हम सेल E10 और माइनस D9 और डिवाइड भी D9। ठीक है जी, 16% बढ़ी, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल सी कर रहे हैं कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और उसके बाद E के बाद F हो जाएगा, क्योंकि F जो है प्राइस ईयर 2021 माइनस होगा 2020 से, तो यहाँ पर वो आ रहा है F9, तो यहाँ पर हम F माइनस करेंगे E और डिवाइड करेंगे E, फॉर्मेट कंट्रोल परसेंट का साइन दे, कंट्रोल शिफ्ट परसेंट परसेंटेज के लिए, और फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V, और अब आ जाएगा 2022 माइनस 2021, तो इसका कॉलम है जी सेल एड्रेस 9, जो हमारा 2022 ईयर का अमाउंट है वो G9 माइनस होगा वो 2021 की सेल से, तो 2021 का जो रिकॉर्ड है वो F9, तो माइनस F9, और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा F9। ठीक है जी, परसेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, तो ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का जो है वो हम रिकॉर्ड रख सकते हैं इस तरह से, किस ईयर में कितना डिफरेंस रहा है हमारा, जो रेट ऊपर आए हैं तो उस हिसाब से इसका एक टेबल आप सीपीआई परसेंटेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से ये रिकॉर्ड लगा सकते हैं इस तरह से आप। तो महंगाई की शरह किस हिसाब से बढ़ी है इसको भी कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग से हाईलाइट कर लेते हैं, कंडीशनल डेटा बार्स, और डेटा बार्स में जाकर जो भी कलर आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कलर अपना चूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया फाइनल कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ रिकॉर्ड प्राइस अपडेट और मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं, उसका प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किस तरह से प्राइस का होगा वो भी मैंने देख लिया इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है जी, बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इन वैल्यू को भी जो टोटल वाली आ रही है इनको सिलेक्ट करेंगे और बड़ा कर लेंगे। वीडियो को साथ साथ लाइक कर लेंगे, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।